जब भी बारिश होती है मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, और यहाँ बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। बारिश मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज़ मेरा जो बर्थ है वो जुलाई का है, तो इंडिया में जुलाई में ही रेन्स होती हैं बिकॉज़ ऑफ रेनी सीज़न इन जुलाई, तो कई लोगों को नहीं अच्छी लगती है बारिश, पर मुझे ये वैंकूवर की बारिश जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली हल्की 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 चलती रहती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। प्लस कि ये जो ब्राउन ब्राउन नीचे गिरे हुए हैं ना, ये नीचे ब्राउन जब ये गीले हो जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल हिल स्टेशन वाली खुशबू आती है, जैसे हमारे सोलन में, शिमला में पाइन ट्रीज़ की और मनाली में आती है वैसी सेम। तो इस वजह से मुझे बारिश का अपना ही मज़ा है वैंकूवर का, लेकिन जब वेदर माइनस में नहीं होता जब माइनस में होता तब नहीं भैया बारिश का इतना मज़ा आता। यही जब बारिशें जब स्टार्ट होती हैं, विंटर्स के आने वाला टाइम जब, जैसे अब टाइम है, तो उस टाइम बारिश का अपना ही मज़ा आता। तो आज वर्क फ्रॉम होम होगा, एंड वर्क फ्रॉम होम कैसे रहता है, कैसे यहाँ पे कितना वर्क होता है नहीं होता है, कितना स्किप होता है वर्क, और काम के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं और डिसएडवांटेज रहते हैं, वो आज हम आज के ब्लॉग में कवर करेंगे। तो 8:30 मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है, इवन कि जब वर्क फ्रॉम होम होता है 8:30 मैं लॉग इन कर लेता हूँ, और 9 o'clock मेरी मीटिंग होती है, और 9 o'clock की मीटिंग में भी डिसाइड कि हमने कैसा डे प्लान किया है, हाँ, और एवरीथिंग ऑपरेशनल थिंग्स और कोई अनाउंसमेंट्स ये सब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फॉर्मल शर्ट पहन लिया बिकॉज मैंने अभी ऑनलाइन होना है मीटिंग के लिए, और वर्क फ्रॉम होम का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप रिलैक्स क्लोथिंग में रहते हैं। मैं ऊपर शर्ट डालता हूँ बिकॉज वो ऑनलाइन इतना इतना ही दिखता है, नीचे मैं अपना लोअर और स्लीपर्स पहन के बैठता हूँ। भी ये चीज़ कई लोग को लगे अनप्रोफेशनल, पर जो है तो है, बट इट इज़। मीटिंग ख़त्म हो गई है और अब मैं थोड़ा सा काम करूँगा, और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो होम के कपड़े पहने जाएंगे क्योंकि काम ऑफिस का भी होता है साथ साथ में, और होम के काम भी साथ साथ में ही होते हैं। टाइम हो गया 1 o'clock, और अभी लंच करने का टाइम हो गया है, और घर में काम करने का ये भी एक बेनिफिट है कि आप गरम गरम खाना बना सकते हो और साथ में खा सकते हो। तो अब टाइम है किचन में लंच। लंच में आज बनेगा पनीर की भुर्जी और फुलके। फुलके बनाएगी नेहा, मेरा काम है पनीर की भुर्जी बनाना, मेनली मैं सब्जी बनाने में इजी रहता हूँ, फुलके नहीं मेरे से सही से बनते। तो चलो लेट्स बनाए भुर्जी ऑफ पनीर। यार एक सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, हमारा 1 bedroom का ये कॉटेज है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं यार इसको, कॉटेज होम, कोच हाउस, कोच हाउस है, और इसमें भी सामान नहीं मिलता। अब मैं ढूंढ रहा हूँ बड़ी बड़ी वाली, बड़ी 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 साइज़ वाली कढ़ाई, नेहा कह रही है यहाँ पड़ी है पर मुझे नहीं दिख रही, देखो कहीं है, कहीं दिख रही है नेहा, कहाँ पड़ी है ये? ये ऊपर का कैबिनेट है, ये नीचे का कैबिनेट है, पता नहीं भाई क्या होता है, सामान नहीं मुझे कभी भी मिलता। आके खोलो पहले के छोड़ के अपने यहाँ दिखेगा। भाई साहब अगर आपको दिख रही है यहाँ कढ़ाई तो कमेंट में बता दो, कहीं कढ़ाई दिख रही है आपको? भाई साहब कढ़ाई का रहस्य सुलझ गया है, ये पड़ी कढ़ाई इसके अंदर, ये एक्चुअली कल रात को मैंने ही रख दी थी क्योंकि अगर बाहर रात को ओपन को फूड छोड़ दो तो थोड़ी सी स्मेल आती है। तो पनीर बॉईल हो रहा है और अब प्याज कटेंगे, तो प्याज ढूंढो, प्याज ढूंढो, प्याज ढूंढो, प्याज, नया प्याज कहाँ है, बाहर ही पड़े, ये बैठा है प्याज। इसको अब
करेंगे चॉप चॉप चॉप। भाई तुम्हारा प्रोफेशनल चॉप 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 चॉप। न्यूजीलैंड में मैं जब स्टडीज करता था तो वहाँ मैंने रेस्टोरेंट में काफ़ी देर काम किया है, तो वहाँ मेरी कटिंग स्किल्स हो गई थी अच्छी, प्लस टाइम लैप्स भी था, वो थोड़ा टक 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 फास्ट में आ गया। ओके, तो हमारी पनीर की रिपोर्ट ओके आ गई है। अब इस सब मिक्सचर को करेंगे इकट्ठा और पनीर की भर्जी रेडी। ओके भाई, 50% काम तो हो गया है। मसाला थोड़ा सा पहले बना हुआ था, मैंने थोड़ा सा और उसमें प्याज डाल दिया, हल्दी डाल दी, नमक डाल दी, और अब ये ऐसा दिख रहा है। अब इसमें डलेगा पनीर। इसमें थोड़ा सा मिल्क ताकि इसके अंदर थोड़ा क्रीमी टेस्ट आ जाए। यही फायदा होता है वर्क फ्रॉम होम का कि आप अपने पसंद से सब्जी बना सकते हो अपने मनपसंद की और गरम गरम खा सकते हो। वैसे मेरा लंच जो ऑफिस में 1 आवर का होता है, और ऑफिस में क्या होता है कि 10 मिनट में खाना खाता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में बनाया होता है, उसको गरम गरम माइक्रोवेव में और इतना मज़ा नहीं आता, फुलके भी सॉगी से हो जाते हैं, सब्जी का भी टेस्ट वो नहीं रहता। तो यहाँ घर पे ये है कि आधा पौना घंटा बनाने में लग जाता है, लेकिन खाने का मज़ा आता है 10 मिनट बैठ के आराम से। ओके फ्रेंड्स, पनीर बन गया और फुलके भी बन गए हैं, साथ में है दही, सॉरी रायता। ये रहा पनीर, यह फुलका और रायता। Let's have the lunch and then meet you after the lunch. तो अब टाइम हो गया है 3:50 के आसपास का टाइम हो गया है, 4 बजने वाले हैं और 4:30 बजे हमारी ऑफ हो जाती है। और घर पे रहने का सबसे अच्छा फ़ायदा कि आपको अपनी पत्नी की हाथ की गरम गरम चाय मिल जाती है, और चाय ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अपनी चाय की तारीफ आप खुद ऐसे से करके कर रहे हैं, ये तो टेस्ट बताएगा। तो आज सुबह से ही फ्रेंड बारिश हो रही है, बारिश यहाँ पे बहुत कॉमन है वैंकूवर में एरिया में। स्नो बहुत कम पड़ती है, लेकिन बारिश तो मतलब है कि है ही है, ऐसे ही मतलब चलती है, मतलब कि बारिश कॉन्टीन्यूसली। चाय में बिस्किट डुबोया बिना गिराए हुए। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली ये दिन ख़त्म होने को ऑलमोस्ट आ गया है। 4:30 मेरा ऑफिस ओवर हो जाता है। 4:30 मैंने लॉग आउट किया अपने ऑफिस सिस्टम से और लॉग इन किया अपने ऑनलाइन क्लास में। ये मेरी ऑनलाइन क्लास है जो 4:30 to 8:30 चलती है, बीच में पीरियडिक ब्रेक्स होती हैं, काफ़ी एग्जॉस्टिंग क्लास है। तो अभी काफ़ी मुझे इस पर फोकस करना है, तो मिलते हैं आपको, बाय।